हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका मोजिन चैनल में। आज हम बात करने वाले ड्रैगन बॉल जी के एपिसोड 59 के बारे में। अभी तक आपने अगर इसके 58 एपिसोड्स नहीं देखे हैं, जो कि आई बटन पे एज इट इज आपको मिल जाते हैं, जाके उस चीज का मजा उठाओ, इस वीडियो को कंटिन्यू करो। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दो। साथ ही साथ इस वीडियो को पूरा देखो और एक आपका फेवरेट मोमेंट कमेंट डाउन कर दो। तो चलिए देखते हैं ड्रैगन बॉल जी एपिसोड 59। तो दोस्तों, अब तक हमने इस एपिसोड में देखा है जो कि फ्रीजा की पर्सनल फोर्स है जिसका नाम है गिनियो फोर्स, वो निकल चुकी है इस प्लैनेट पर आने के लिए, जहाँ पर वो बहुत ही तेजी से निकलती है। और इधर हम देखते हैं कि वेजिटा की मुलाकात हो जाती है ड्रैगन बॉल लेते जाते समय गोहान के साथ, जहाँ पर वो गोहान को मारता है, लेकिन गोहान कैसे तो करके बचा लेता है अपने पास के ड्रैगन बॉल को। और अब ये वेजिटा को पता चल जाता है, तो वेजिटा इन लोगों के पास आ जाता है। तब ये लोग वहाँ से गायब हो चुके हैं, इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित होकर वहाँ से उड़ चले जाता है। इधर हम देखते हैं कि ये लोग सेफ जगह पर दूसरी तरफ खड़े हैं, दोनों पर्वत के बीच में, जहाँ पर वो बुलमा को अकेला छोड़ गोहान और क्रिलिन वहाँ से उड़ जाते हैं गुरु की तरफ। और इसी नोट पे इस एपिसोड की शुरुआत भी होती है। जहाँ अभी हम देखते हैं कि बुलमा सोई हुई है और ये नाश्ता वास्ता करके फुल टू खाना खा के बैठी हुई है, तभी अचानक से उसे पसीना आने लगता है और अचानक से एक एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है उसके पास ही के टेबल के ऊपर, जहाँ पर वो उठती है और देखती है कि सामने वेजिटा है, जो कि एकदम ही क्रोधित होके आ रहा है और वो पूछ रहा है कि आखिरकार ड्रैगन बॉल कहाँ पर है, तुम मुझे ऐसे चीट नहीं कर सकते, बस हो गया, अब तुम्हें मरना होगा। जहाँ पर बुलमा को वो यही चीज पूछ रहा है कि आखिरकार ड्रैगन बॉल कहाँ पर है, जहाँ बुलमा कहती है वही पर तो रखा है तुम्हारे पीछे, वो ले लो। तभी वेजिटा कहता है कि मुझे तुम फूल समझते हो, मुझे अभी भी वो नहीं दिखाई दे रहा है, जहाँ पर है मुझे दे दो जल्दी से। और इतने में ही क्रोधित हो जाता है वेजिटा और सीधा ही एक एनर्जी ब्लास्ट कर देता है बुलमा के ऊपर, जहाँ बुलमा चिल्लाती भी है। तभी हम देखते हैं कि बुलमा आखिरकार ये सपना देख रही थी, जो कि एक चेयर से नीचे गिर जाती है, जहाँ पर वो उठती है और देखती है कि ये सपना ही था, तो वो ड्रैगन बॉल अपने हाथ में लेकर खड़ी हो जाती है। तभी हम देखते हैं इधर वेजिटा को, जो कि अपने 5 ड्रैगन बॉल के पास बैठा हुआ है, जो कि यही सोच रहा है कि अगर ड्रैगन बॉल यहाँ पर है और वो गोहान जो है यानी कैकेरोट का बेटा, उसके पास अगर वो गैजेट है जिससे वो ढूंढ पाए ड्रैगन बॉल्स, तो मुझे इन्हें अकेला नहीं छोड़ना होगा, मुझे यही पर रह के उनकी राह देखनी होगी, जहाँ पर मुझे उन्हें सेंस करना होगा। तभी वहाँ पर वेजिटा उन्हें सेंस करने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि दूर दूर से एनर्जी ब्लास्ट आ रहे हैं और वो इधर उधर गिर के बहुत जोर जोर से ब्लास्ट हो रहा है। इसी ब्लास्ट के बीच में वेजिटा कहता है कि भाई आखिरकार क्रोधित हो चुका है फ्रीजा, जो कि इस तरह से इधर उधर पूरे बम ब्लास्ट करते जाएगा जब तक उसे आखिरी ड्रैगन बॉल नहीं मिल जाता तब तक, तो मेरे पास तो कुछ ही दिन बचे हैं इन ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने के लिए। जहाँ पर वेजिटा अभी सेंस कर रहा है कि ये आखिरकार लोग है तो है कहाँ पर। अब हम देखते हैं फ्रीजा को, जो कि आग बबूला हो चुका है, जो एक के बाद एक फायर ब्लास्ट कर रहा है, जहाँ वो यही कहता है कि वेजिटा तुमने बहुत ज्यादा गलत कर दिया, जहाँ पर उनके सामने जो लोग है वो भी थर थरा उठे है। तभी हम देखते है कि ये जो ब्लास्ट आगे बढ़ते जा रहा है, ये इस पूरे प्लैनेट को धीरे धीरे करके तबाह करते जा रहा है, इस तरह से ब्लास्ट होते जा रहे हैं। तभी बुलमा जो है ये पत्थर के सहारे खड़ी है, तभी उसके पैरों के पास होता है ड्रैगन बॉल, जो कि इतने जोर जोर के ब्लास्ट की वजह से हिलने लगता है। और देखते ही देखते वो थोड़ा आगे जाता है, जहाँ पर बुलमा उसे पकड़ती है और अपने तरफ खींच के लेके आती है, लेकिन तभी और एक जोर का ब्लास्ट होता है जिस वजह से बुलमा उस पत्थर को पकड़े हुए है और ड्रैगन बॉल सीधा ही लुढ़क कर आगे बढ़ जाता है। तभी हम देखते हैं गोहान और क्रिलिन को, जहाँ पर क्रिलिन कह रहा है कि इस स्पीड से तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा हमें पहुँचने में, लेकिन हम जोर से स्पीड से जा भी नहीं सकते क्योंकि वेजिटा की पावर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, ये मैं सेंस कर चुका हूँ, जिस वजह से वो पलक झपकते ही हमें पकड़ लेगा फिर से सेंस कर। जहाँ पर गुहान उसे पूछता है कि तुमने कहा था क्रिलिन कि मेरे अंदर कुछ पावर्स है जो कि गुरु एक्टिवेट कर देंगे, ऐसी कौन सी पावर्स है मेरे अंदर तो कोई पावर्स है ही नहीं। जहाँ पर क्रिलिन कहता है कि मेरे अंदर भी मुझे लग रहा था नहीं है, फिर भी गुरु ने वो एक्टिवेट कर दी है और मुझे पता है कि तुम सेयन हो, गोकू के बेटे हो, इस वजह से तुम्हारे अंदर पावर लेवल्स तो होनी वाली है जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होगी। जहाँ पर गोहान चौक जाता है और ये लोग आगे बढ़ चले जा रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि बुलमा का जो ड्रैगन बॉल है जो कि छूटकर सीधा ही पानी के अंदर चले गया है, जहाँ पर उसे उतरकर सिंपली वो बॉल लाना था लेकिन वो जाती नहीं है, गीले होने से डरती है, इस वजह से वो पैरों से ही उसे खींच रही है, लेकिन वो उसके पास तो आता नहीं है। तभी वो एक लकड़ी लेके आती है जिससे वो अपने तरफ खींचने की
की कोशिश करती है इस ड्रैगन बॉल को, लेकिन उल्टा ये होता है ड्रैगन बॉल पास आने की जगह पर अंदर पानी के अंदर घुस जाता है जो कि अंदर गिर जाता है। जहाँ पर बुलमा यही सोचती है कि ये लोग आ जाएंगे तब तक यहाँ पर ड्रैगन बॉल भी सेफ रहेगा, ये लोग आएंगे ये लोग ड्रैगन बॉल निकाल लेंगे। इतना कहकर बुलमा वहाँ से आगे बढ़ जाती है, तभी उसका ड्रैगन रेडार बीप बीप करके बजने लगता है, जहाँ पर वो देखती है कि ये जो ड्रैगन बॉल था ये ड्रैगन बॉल अभी वहाँ पर है ही नहीं, ये आगे बढ़ते हुए जा रहा है। जहाँ पर बुलमा कहती है कि अगर ये वेजिटा का काम है तो उसने गलत बंदी से पंगा ले लिया है, अब मैं बताती हूँ कि मैं कौन हूँ, क्योंकि उसे ये समझ में आ चुका है कि अगर वो यहाँ पर उस ड्रैगन बॉल को नहीं ले पाती और ये ड्रैगन बॉल अगर वेजिटा को मिल जाता तो वो अपनी लास्ट विश पूरी कर लेगा, फिर इस वजह से गोहान और क्रिलिन उससे नहीं लड़ पाएंगे और फिर हम जीत नहीं पाएंगे और ओवरऑल निष्कर्ष यही निकलेगा कि मैं कभी अर्थ पर जा ही नहीं पाऊंगी, जहाँ पर मैं यामचा से भी नहीं मिल पाऊंगी। इस वजह से बुलमा वहाँ पर अपना एक कैप्सूल निकालती है जिसमें होती है एक पनडुब्बी, जिसके अंदर वो बैठ जाती है और अंदर आगे बढ़ते चली जा रही है, जो कि यही सोचती है कि इस बटन से लेजर निकलेगा, इस बटन से टॉर्पिडो चलेगी, बस इतना सोच के आगे बढ़ते हुए जा रही है उस ड्रैगन बॉल की तरफ। अब बुलमा आगे बढ़ते हुए जा रही है जहाँ पर ड्रैगन बॉल उसके नजदीक आते हुए जा रहा है। जैसे ही वो एक पर्वत के पीछे से क्रॉस करती है वैसे ही उसे एक आगे मॉन्स्टर दिखाई देता है, जो कि देखकर ये चौंक जाती है और सीधा ही टॉर्पिडो चला देती है, जिस टॉर्पिडो से बच जाता है वो मॉन्स्टर। जहाँ पर हम देखते हैं कि ये कोई मॉन्स्टर नहीं है, ये एक नॉर्मल सी बड़ी सी फिश है। जहाँ पर बुलमा कहती है कि फाइनली मुझे वेजिटा से फाइट नहीं करनी है, जहाँ पर उसे ड्रैगन बॉल भी दिख जाता है उसके पंख के अंदर फंसा हुआ, जहाँ वो एक टॉर्पिडो चला देती है जिससे वो भाग जाता है और वो जो ड्रैगन बॉल है वो वहाँ से निकल कर यानी उसके पंख में से निकल कर सीधा ही नीचे गिर जाता है, जो कि एक खाई में गिर चुका है। जहाँ बुलमा कहती है कि ये पीस ऑफ केक के जैसा था, इतने जल्दी मैंने हासिल कर लिया, लेकिन अभी भी उसे ड्रैगन बॉल नहीं मिला है, जिसका पीछा करते हुए वो अंदर जा रही है। अब हम देखते हैं गोकू को, जो कि अभी भी प्रैक्टिस किए जा रहा है 100 ग्रेविटी में, जहाँ पर हम देखते हैं कि शिप की हालत बहुत ज्यादा खस्ता हो चुकी है। जहाँ पर गोकू इस शिप के अंदर ही कामेहामेहा टेक्निक यूज कर लेता है, जहाँ कामेहामेहा वेव पूरी घूम के जाती है और गोकू अपनी बॉडी पर ही उसे झेल लेता है। जैसे ही वो उसे हिट करती है वैसे ही गोकू नीचे गिर जाता है, जहाँ वो कहता है कि ये बहुत ही जोर से हिट करता है। जहाँ वो जाता है सेंसबीन एक और खाता है और वो रेडी हो जाता है, जहाँ पर वो यही सोच रहा है कि बस और दो दिन है जहाँ पर मुझे प्रैक्टिस करती रहनी होगी, दो दिन बाद मैं उस प्लैनेट पर पहुँच जाऊंगा यानी प्लैनेट नेमेक पर। जहाँ पर गोकू सोच रहा है कि भाई अब तो सेंसोबीन्स ने बचा लिया, लेकिन अगर ये ज्यादा जोर का हिट रहा मेरे ऊपर तो मैं मर भी सकता हूँ, तो मुझे केयरफुली ये पूरी जंग जीतनी होगी। अभी हम देखते हैं उस ड्रैगन बॉल को जो कि फाइनली जमीन को हिट कर जाता है, जहाँ पर वो रुका है। अब पीछे से बुलमा आती है जो कि उस ड्रैगन बॉल को देखती है, लेकिन सामने उसे कुछ चमकीला चीज नजर आती है। जहाँ वो देखती है तो उसे देखने को मिलता है एक मोती यानी एक पर्ल, जो कि खुश हो जाती है और अपनी ही दुनिया में मस्त हो जाती है। जहाँ पर वो इमेजिन कर लेती है कि ये मोती उसने पहना हुआ है। जहाँ पर वो कहती है कि ड्रैगन बॉल यहाँ पर वेट कर लेगा तो मैं वो मोती को पहले ले लेती हूँ। जहाँ वो इधर उधर देखती है तो वहाँ पर उसे कोई नहीं दिखता, तो वो मोती लेने आगे बढ़ जाती है। जहाँ पर इस पनडुब्बे में से दो हाथ निकाल कर वो उस मोती को खींचने वाली होती है। जिस शेल्फ में वो बंधा हुआ है वहाँ से वो मोती निकलता नहीं है, बल्कि वो शेल्फ ही वहाँ से हिल जाता है। जैसे ही वो शेल्फ हिलता है तब हमें पता चलता है ये कोई शेल्फ नॉर्मल सा रखा हुआ नहीं था, इसके अंदर एक्चुअल में था एक बड़ा सा गड्ढा जो कि एक वैक्यूम की तरह काम करता है, जिस वजह से उसके अंदर ड्रैगन बॉल भी खींचा चला जाता है और साथ ही साथ बुलमा भी चली जाती है। अब ये राउंड एंड राउंड करके अंदर तो चले जाते हैं, जहाँ पर बुलमा इसको ढूंढते हुए आगे बढ़ रही है। जहाँ वो देखती है तो वो फाइनली पहुंच जाती है फिर से ड्रैगन बॉल के पास, जहाँ वो देखती है कि बहुत सारे अंडे पड़े हुए है। जहाँ बुलमा को ये समझ में नहीं आता कि इतने सारे ड्रैगन बॉल्स क्यों है, जहाँ बुलमा सिंपली यही कहती है कि मेरा ड्रैगन बॉल मैं ले लेती हूँ और यहाँ से चली जाती हूँ। जहाँ पर वो ड्रैगन बॉल लेने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाने वाली होती है तभी वहाँ पर निकल जाता है केकड़ा, जो कि केकड़ा है वो एक्चुअल में उसके ही अंडे होते हैं, उसके अंडे के बीच में छुपा हुआ है ये ड्रैगन बॉल, जिसको देख बुलमा बहुत ज्यादा चिल्लाती है। अब इसकी जो शिप है यानी ये पनडुब्बी वो पकड़ ली है इस केकड़े ने, जो कि दोनों अपने हाथों से दबा रहा है, वो इतने तेज तेज दबा रहा है कि अभी ये पनडुब्बी फटने वाली है। तभी बुलमा देखती है कि उसके पास जो एक्चुअल में कैप्सूल की एक बॉक्स था वो नीचे गिर चुका है, जहाँ वो कैप्सूल ढूंढ रही है यहाँ से जल्दी एग्जिट करने वाली कैप्सूल।
जहाँ वो नीचे ऊपर ढूंढती है तभी उसे बॉक्स मिलता है, तो वो उसको निकाल के वहाँ से निकल आती है जो कि निकली हुई है एक अलग वाले रोबोट के अंदर, जहाँ पर इसकी ये जो पनडुब्बी है ये खत्म हो चुकी है, यानी उसको तोड़ ही दिया इस केकड़े ने, जहाँ पर ये रोबोट बनकर अभी उससे लड़ने की कोशिश कर रही है, जहाँ पर ये केकड़ा उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। इसके बीच में वो बुलमा इधर उधर से भागती है, तभी वहाँ पर ये केकड़ा इधर उधर से उसे मारने लगता है और मारते मारते ही वो वहाँ के पहाड़ों को तोड़ देता है और फिर एक जोर का ब्लास्ट कर देता है, यानी वाटर ब्लास्ट सीधा ही इस रोबोट के ऊपर, जिससे उसे कुछ नहीं दिखता और बुलमा चिल्लाती है और उसे लगता है कि अब हम खत्म हो गए, जहाँ पर वो अपनी आंखें बंद करती है। तभी वहाँ पर ये जो खेकड़ा है ये शांति से बैठ जाता है। तभी बुलमा को पता चलता है कि वो तो अपने एक को प्रोटेक्ट कर रही थी, जहाँ पर उसके एक जो है वो अभी फटने के लिए यानी निकलने के लिए बाहर उनमें से चूजे रेडी हो चुके हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो एक एक सारी शेल जो है वो फटती है, उसमें से छोटे छोटे बच्चे खेकड़े के बाहर आते हैं, जहाँ बुलमा ये देखकर बहुत ज्यादा खुश भी है। तभी वहाँ पर एक पर्वत उसके ऊपर गिरने वाला होता है, किसके ऊपर? खेकड़े के ऊपर, जिस वजह से बुलमा उसे पकड़ लेती है और खेकड़े को कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, जहाँ से वो चला जाता है और बुलमा वहाँ पर वो पर्वत का जो टुकड़ा है वो साइड में फेंक देती है। फिर बुलमा पीछे से जाती है, अपना ड्रैगन बॉल उठाती है और वहाँ से निकल आती है। अब ये ऊपर आती है, उस रोबोट से बाहर आती है और कुछ ही दूर चलने लगती है, जहाँ वो सोचती है कि आज के दिन के लिए इतना एक्साइटमेंट बहुत सारा है। तभी वहाँ पर उसके सामने एक ब्लास्ट गिरता है, जहाँ वो रुकती है और देखती है, जहाँ पर फ्रीजा के जो लोग है वो इसे पकड़ने के लिए आ गए है, जहाँ वो पूछते है कि बाकी ड्रैगन बॉल्स कहाँ पर है, वेजिटा कहाँ पर है, जहाँ बुलमा कुछ नहीं कह पाती, वो बहुत ज्यादा डरी हुई है। जहाँ पर ये लोग कहते हैं कि ठीक है, इसका जवाब तुम डायरेक्टली फ्रीजा से ही देना, तो चलो हम चलते हैं। जहाँ पर बुलमा को पकड़ के ड्रैगन बॉल उसके हाथ का लेके ये लोग जा रहा है फ्रीजा की तरफ। तभी हम दूसरे साइड में देख रहे हैं गोकू अभी भी प्रैक्टिस करते जा रहा है और वो आखिरकार क्या इतना स्ट्रांग हो पाएगा इन लोगों को हराने के लिए, ये हमें अगले एपिसोड में जानने को मिलेगा। तब तक कीजिए लाइक इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। और तब तक के लिए देखते रहिए मूवीज़ इन।